प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों ने कुलम्स लॉ का जो वीडियो लेक्चर था वो देख लिया होगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुलम्स लॉ और उसके बेसिक एप्लीकेशन देखे थे, नल पॉइंट देखा था। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज कुलम्स लॉ के जो कुलम्स लॉ और मैकेनिक्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसकी बात करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, लास्ट तक देखो। स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम लोग सीधे आज की क्लास को, आज के इस वीडियो लेक्चर को क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आपने कुलम्स लॉ का वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो उसको आप लोग रिवाइज कर लेना, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, एक न्यूमेरिकल से, कि हमारे पास एक स्ट्रिंग के थ्रू कोई मास लटका है जिसका चार्ज क्यू है और नीचे हमारे पास एक ब्लॉक है जो फिक्स्ड है। इस पर देखोगे तो जेई मेंस ने क्वेश्चन फ्रेम किया था, AIEEE ने क्वेश्चन फ्रेम किया था। हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर और उस क्वेश्चन के जरिए उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। एक स्ट्रिंग के जरिए एक धागा है, उसके जरिए एक ब्लॉक लटका है जिस पर चार्ज क्यू है, नीचे एक ऐसा ब्लॉक है जो फिक्स है और उस पर भी चार्ज है क्यू का। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और इस कंडीशन में सपोज हमारे पास जो टेंशन है वो है mg/3 का। और क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि अगर हम इन दोनों चार्जेस को हाफ कर दें, यानी क्यू की जगह पर दोनों जगहों पर हम q/2 कर दें, तो उस कंडीशन में टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। एक बार हम लोग क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, फिर चलेंगे हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स कंसंट्रेट करो, क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिससे एक ब्लॉक लटका है जिसका मास है m, जिस पर चार्ज है q, नीचे एक ब्लॉक है जो फिक्स है, उस पर भी सेम चार्ज है q, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, बीच का सेपरेशन आप r मान लो। इस कंडीशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और टेंशन है mg/3। हमें निकालना क्या है कि अगर हम चार्जेस को हाफ कर दें, यानी इन दोनों चार्जेस को q/2 ईच कर दें, तो दोनों में टेंशन, उस कंडीशन में स्ट्रिंग में टेंशन कितने का होगा। चलो सीखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस में न्यूटन्स लॉ का कंसेप्ट बैठाना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ का कंसेप्ट ये कहता है कि फ्री बॉडी डायग्राम, यानी आप उस ऑब्जेक्ट को अलग करो जिस पर कि आपको फोर्सेस शो करने हैं, और सिर्फ वही फोर्सेस शो करो जो उस ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली लग रही है। तो इस ब्लॉक M पर इसका वेट नीचे लग रहा होगा, कितना, mg। स्ट्रिंग का टेंशन आपको दिया हुआ है, कितने का है, mg/3। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ लगता है। अब इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसे कंसीडर करो। ये ब्लॉक तो फिक्स है, इसके कारण इस ऊपर वाले ब्लॉक को रिपल्शन मिल रहा होगा, रिपल्शन के कारण उस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। तो ये अपवर्ड फोर्स, और ये फोर्स होगी कितने की, बेटा लास्ट क्लास में 1/4πε0 को जैसे हम लोगों ने कहा था के, वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो अगर हम 1/4πε0 को कह दें के, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बीच का सेपरेशन आर, यानी ये बनी हमारी पहले की इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इस कंडीशन में अगर हम इस फोर्स की वैल्यू को निकाल लें, क्या होगी वो, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए कितने के, mg minus mg by 3, दैट इज 2mg/3। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। अब क्वेश्चन के अगले स्टेप पे चलते हैं। क्वेश्चन के अगले स्टेप ने क्या बोला,
क्वेश्चन के अगले स्टेप ने ये बोला कि अगर हम मासेस को हाफ कर दें, या इसी में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि हम ऊपर वाले चार्ज का हाफ चार्ज नीचे वाले को दे दें, या हम इसके 40% चार्ज को इसको दे दें, या हम इस चार्ज को पॉजिटिव और इस चार्ज को नेगेटिव बना दें। इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो बेटा फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, अगर हम अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें तो कितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सारी बन सकती है। फिलहाल इस पे चार्ज क्वेश्चन ने कहा कि हम इस पर हाफ कर दें, तो ये क्यू बाई टू है। जो नीचे वाला ब्लॉक है इसका भी चार्ज क्यू बाई टू, सेपरेशन अगेन आर। साथ साथ स्टूडेंट करते जाओ, आप लोग भी साथ साथ में उसको करते चलो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाओगे? इस ब्लॉक एम का। क्यों इसी का बना रहे हो? क्योंकि धागे में जो टेंशन लगेगा वो इसी ब्लॉक पे तो काम करेगा, इस ब्लॉक से तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो ब्लॉक है इस पर इसका वेट शो करो डाउनवर्ड। टेंशन अब अननोन है, उसे ऊपर की तरफ शो करो। ये अभी नोन नहीं है, यानी इसको हमें निकालना है। इनके बीच की फोर्स देखो, अगेन रिपल्शन फोर्स है, तो वो फोर्स कितने की होनी चाहिए? के। क्यू वन क्यू टू वाला टर्म करोगे तो के क्यू स्क्वायर बाय नीचे 4R स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। क्या किया हम लोगों ने? ये के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर जब बैठाया तो क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू दैट इज क्यू स्क्वायर बाई फोर फॉर्मूला बैठाया। अब यहां से टेंशन की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? यस, निकाली जा सकती है। कैसे? टेंशन और ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मिल करके एम जी को बैलेंस कर रहे हैं। तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर थी 2mg/3, तो क्या हम इस वैल्यू को नहीं निकाल लेंगे? ये वैल्यू निकल आएगी। यस yes. कितनी निकल आएगी? 2mg/3। ये तो है हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2mg/3, तो इसे बाई फोर कर दो। बाई फोर ये है एम जी के बराबर। तो क्या स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से टेंशन नहीं निकाल लेंगे स्ट्रिंग में? निकाल लो, कितना आया? टी इक्वल टू, यहाँ से इसको काटो, एम जी माइनस, यहाँ से काटा इसको, एम जी बाय 6, ऊपर ले जाओ इसको। तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया 5mg/6। क्लियर? तो यहाँ से हमने फोर्स को निकाला, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को निकाल लिया, फिर दूसरी कंडीशन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चेंज किया, उसके बाद हमने दोबारा इक्वेशन बनाई, पुरानी वैल्यू को उसमें पुट किया, सॉल्व किया, हमारे पास नया टेंशन आ गया, यानी धागे में टेंशन कितने का है हमें ये मिल गया। अब इसी में एग्जामिनर ने सपोज हमसे ये कहा होता कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो बस हम और कुछ नहीं करते। सपोज ये दोनों वैल्यूज हमारे पास, ये दोनों चार्जेस हमारे पास माइनस एक प्लस होता, एक माइनस क्यू होता, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो उस कंडीशन में बस क्या होता, ये फोर्स अट्रैक्टिव बन जाती, वो फोर्स डाउनवर्ड लगती और उस केस में टी इक्वल टू एम जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता। क्लियर? वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, अगली वैरायटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वैरायटी, क्वेश्चन की नेक्स्ट वैरायटी, अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पास जो एक फ्रिक्शन का कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सपोज हमसे पूछा जाए कि हमारे पास एक ब्लॉक है, अब हम लोग फ्रिक्शन का कंसेप्ट यूज करने चल रहे हैं, फ्रिक्शन का एलिमेंट्री कंसेप्ट यूज करने चल रहे हैं कूलम्स लॉ के साथ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका कैसे एप्लीकेशन होता है मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स को मिला करके, हम उसी को सीखने चल रहे हैं। तो अगर इन केस फ्रिक्शन के कंसेप्ट्स या टेंशन न्यूटन्स लॉ के कंसेप्ट्स अगर वीक हैं तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका वीडियो लेक्चर बना के हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे।
कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जिसके कंसेप्ट की ज़रूरत है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। सपोज हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ये फिक्स है, बीच का सेपरेशन सपोज 3 मीटर है, हमें नहीं पता ये चार्ज कितने के हैं, इस ब्लॉक के मास की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस ब्लॉक का मास सपोज है 10 kg और यहाँ पर सरफेस पर जो म्यू की वैल्यू है वो सपोज है 0.2। चलो स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ सरफेस है जहाँ म्यू की वैल्यू 0.2 है, ये 2 ब्लॉक्स हैं, इसके मास की ज़रूरत नहीं पड़नी है, ये फिक्स है, वैसे भी फिक्स मतलब आप कह सकते हो जैसे किसी आपने उसको स्क्रू से नट बोल्ट से टाइट किया हुआ है, और ये कोई दूसरा ब्लॉक है जो मूवेबल है, इस ब्लॉक का मास कितना है 10 kg है। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि हम इन दोनों ब्लॉक्स पर कितने के चार्जेस दे सकते हैं ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अगर आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू विच कैन बी गिवन टू द ब्लॉक्स सच दैट बोथ रिमेन एट रेस्ट। अब ये तो ऑलरेडी फिक्स है, तो ये तो ऑलरेडी रेस्ट पे है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, तो रेस्ट पे ऑलरेडी है, ये मूवेबल है तो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 0.2 है। अब पहले तो हमें यह समझना है कि आखिरकार में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगा, इन दोनों ब्लॉक्स में रिपल्शन होगा। थोड़ा सा सिचुएशन को समझो, अगर हम इन पे कोई चार्ज ना दें तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं काम कर रही है, जी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, बहुत कमज़ोर फोर्स होती है वैसे भी वो, तो इनके बीच में कोई फोर्स काम नहीं कर रही है, जब हम चार्ज को देंगे तो इनके बीच में रिपल्शन शुरू होगा, दोनों सेम नेचर के रिपल्शन शुरू होगा। अब फ्रिक्शन का एलिमेंट्री कंसेप्ट कहता है कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ये तो फिक्स है, ये तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जब इस पे चार्जेज आएंगे तो इस चार्ज के कारण इस ब्लॉक को की टेंडेंसी आगे की तरफ जाने की होगी रिपल्शन, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स की अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू है विच इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इसको रोकेगी, और फ्रिक्शन फोर्स की अपनी एक सीमा है रोकने की, जितना दूर तक वो उसको रोक सके, यानी हमें करना क्या है, हमें इस पर लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स को इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बराबर कर देना है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, अगर हम एक बार कंसेप्ट को सीख जाएं तो ये एक आसान सब्जेक्ट है। चलो इस पर आगे देखते हैं इक्वेशंस पे, यानी होना क्या है इस 10 kg वाले ब्लॉक पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगेगी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, इसे फ्रिक्शनल फोर्स रोकेगी। ना फ्रिक्शनल फोर्स होती कितनी है, अगर कोई और फोर्स ना लग रही हो तो फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पर μmg, अगर बॉडी जस्ट मूव करने की कंडीशन में आ गई है, वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज μmg, तो बल्कि यहाँ पे निकाले लेते हैं म्यू 0.2 एम इंटू जी, हम लोग जी की वैल्यू 10 लेके चल रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम लग सकती है वो 20 न्यूटन की है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफ 20 न्यूटन जो कि इसको रोकने के लिए काम करेगी। अब इसको इक्वेट करो, यानी ये जो के, अब हम लोग क्या करेंगे,
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है उसे फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर देंगे। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है, साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते रहा करो। 9 × 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर, क्यू हमारा अननोन है, बाय 9। इक्वल टू 20। हमने फ्रिक्शन फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के बराबर सब्स्टिट्यूट किया। काट देते हैं, 9 को काट दिया हमने, इक्वेशन को एडजस्ट कर लें तो हमारे पास Q इक्वल टू, यहाँ से काट दें तो पहले यहाँ से काट दें तो ये 10⁸ का टर्म आ जाएगा, तो √2 × 10⁴ कूलम्ब का चार्ज हम मैक्सिमम इन ब्लॉक्स को दे सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, 9 कटा यहाँ से, यहाँ से इसको काटा, ये 10⁸ का टर्म, सॉरी 10⁻⁸ का टर्म बनेगा, तो ये −4 हो जाएगा। यस, 10⁻⁸ का टर्म आएगा, तो √2 × 10⁴ कूलम का चार्ज हम उसको दे सकते हैं। हमने किया क्या है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को बैलेंस कर दिया है फ्रिक्शनल फोर्स से। अब इसी में अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए ये मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है या मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, अगर हमसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, ये कैसे होगा। फ्रिक्शन को हमने उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पर लिया है, ये उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा, ये फ्रिक्शन का एलिमेंट्री कंसेप्ट है कि वो एक वेरिएबल नेचर की फोर्स होती है, यानी अब वो 20 न्यूटन अगर लग सकती है तो वो 2 न्यूटन भी लग सकती है, वो 0 न्यूटन भी लग सकती है, लेकिन वो 21 न्यूटन नहीं लग सकती। जैसे ये मार्कर रखा हुआ है, अगर इसको सपोज इस पर 20 न्यूटन की मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स हो तो 20 से कम वो लग सकती है, वो 15 लग सकती है, 10 लग सकती है, 2 लग सकती है, 0 लग सकती है। अगर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसको अपनी जगह से हिलाने के लिए, तो ये अपनी जगह पे रेस्ट पे रहेगा, यानी कोई फोर्स अगर डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, फ्रिक्शन 8 न्यूटन लगेगी, ये फ्रिक्शन का वेरिएबल नेचर है। हमने अगर 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पर काम करेगी, लेकिन अगर हमने उससे ज़्यादा लगाया तो फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है, यानी वो फोर्स फिर स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। हम लोग उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं 20 न्यूटन। इसका मतलब ये चार्ज की क्या है, ये चार्ज की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। इसी बात को क्वेश्चन हमसे, एग्जामिनर हमसे ऐसे पूछ सकते हैं कि सपोज हमने चार्ज दिया है 10⁻⁴ कूलम, √2 हटा दो। अगर एग्जामिनर हमसे ये पूछे कि क्या इस कंडीशन में ये ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, यस रह सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है, इससे कम की कोई वैल्यू पॉसिबल है, इससे कम की कोई वैल्यू पॉसिबल है। 10⁻⁴ कूलम, यस इट इज़ पॉसिबल। उस कंडीशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, बस होगा क्या, उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स को अपने मैक्सिमम पे काम करना नहीं पड़ेगा। अनदर वैरायटी, अगर एग्जामिनर हमसे ये पूछ लें कि हमने एक को प्लस दिया और दूसरे को माइनस चार्ज दिया, तब हमारे इस क्यू पर अंतर आ जाएगा क्या, या इस मॉड वैल्यू पर, इस पर डिफरेंस कुछ आ जाएगा क्या, नो। ये चार्ज की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक। माइनस में माइनस का मतलब क्या हुआ कि चार्ज प्लस में भी इतना हो सकता है और मिनिमम और निगेटिव में भी इतना हो सकता है, बस फर्क क्या होगा, अगर एक पर हमने प्लस दिया है और एक पर माइनस दिया है तो इनमें अट्रैक्शन होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लिया, अगर एक प्लस होता और एक माइनस होता तो इनमें अट्रैक्शन होता, वो तो फिक्स है, इनमें अट्रैक्शन होता। और अगर अट्रैक्शन होता तो बस क्या होता, ये फोर्स इधर चली जाती और ये फोर्स इधर आ जाती, इक्वेशन सेम बनती, आंसर सेम बनता। यानी आप ये कह सकते हो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, आप ये कह सकते हो कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू −√2 × 10⁻⁴ कूलम से प्लस, यानी जो लिखा हुआ बोर्ड पे √2 × 10⁻⁴ कूलम की हो सकती है। ये एक रेंज है, यानी माइनस √2 इंटू
ठीक से लेके प्लस में रूट टू इंटू पावर माइनस फोर कूलम का ये वैरायटी पॉसिबल है चार्ज की, यानी ये रेंज है चार्ज की। इस बीच में हम कोई भी चार्ज अगर उसको देंगे तो सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्लियर स्टूडेंट्स? कहीं कोई डाउट है आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछा करो, नोट करो, अगली वैरायटी डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो एक वैरायटी और, चलो आगे बढ़ते हैं, एक वैरायटी हम लोग और डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है। सपोज इस एंगल को हम कहें 37 डिग्री, यहां पे हमने एक ब्लॉक को फिक्स किया हुआ है। अगेन ये एक ऐसा ब्लॉक है जो फिक्स है। हमने यहां पर एक दूसरे ब्लॉक को रखा है जिसका मास सपोज 10 केजी है। फिर वही डाटा ले लेते हैं हम लोग, म्यू की वैल्यू 0.2 है, रफ सरफेस है, ये फिक्स है। फिर एक बार अगर हमको यही निकालना हो कि हम इन दोनों को कितने के चार्जेस दे सकते हैं, लेट अस टेक द सेपरेशन अगेन एज 3 मीटर। क्वेश्चन क्या है, ये एक ब्लॉक फिक्स है, इंक्लाइंड सरफेस है, रफ इंक्लाइंड सरफेस है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, एक ब्लॉक है जो 10 केजी का है। चार्जेस हम इनको कितना दे दें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन नोट करना चाहते हो तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द चार्ज विच कैन बी गिवन टू बोथ ब्लॉक्स सच दैट ब्लॉक्स मे रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के, यानी हम मैक्सिमम चार्ज को निकालना चाहते हैं। ये ब्लॉक फिक्स है तो इस पर तो कोई असर पड़ना नहीं है, ये तो फिक्स है, आप कुछ भी चार्ज दो फर्क नहीं पड़ना है। तो फर्क पड़ना कहाँ है, फर्क पड़ना है यहाँ पे, इनमें रिपल्शन होगा। ये इधर की तरफ जाना चाहेगा और जब ये इधर की तरफ जाना चाहेगा रिपल्शन के कारण, तो इस पर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। यस स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, उसके हम लोग कई कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं जो क्लास 11th के टॉपिक्स हैं। अगर वो आपके नहीं क्लियर हैं उसको थोड़ा किसी बुक से रिवाइज करो, पढ़ो, और अगर डाउट है तो उसको फिर कमेंट बॉक्स से पूछो, उसका वीडियो बना के डालेंगे। चलो हम लोग देखते हैं इस 10 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। इस 10 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पर होता है तो उस पर एम जी साइन थीटा नीचे लगता है। एम जी साइन थीटा यानी इस पर डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही होगी जो इसको नीचे खींच के लाना चाहती है, वो कितनी बड़ी है, एम जी साइन थीटा, थीटा इज 37 डिग्री। इस पर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड और इंक्लाइंड सरफेस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो एम जी साइन थीटा इधर लगता है और एम जी कॉस थीटा इधर लगता है। ये वेक्टर्स का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का एलिमेंट्री कंसेप्ट है कि जैसे ये बोर्ड पे ध्यान दो, ये ऐसे एम जी है तो mg का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इसको नीचे खींचने के लिए और ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है जो नॉर्मल फोर्स लग रही है उसे बैलेंस कराने के लिए। तो ये फोर्स कितने की है, ये है mg cos थीटा। अब इनमें जब रिपल्शन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर ऐड करनी चाहिए, पहले एक काम करते हैं, पहले रिपल्शन फोर्स को शो कर लेते हैं। रिपल्शन फोर्स इधर लगनी चाहिए, के क्यू स्क्वायर बाय बीच का गैप 3 स्क्वायर कर दो 9।
तो एम जी साइन थीटा के कारण ये नीचे आना चाहता है। नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रही है। इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ये ऊपर लग रहा है। अब आई बात फ्रिक्शन की, क्योंकि हम लोग चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हमने रिपल्शन लिया, फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ लिया है। फ्रिक्शन इसे रोकने की कोशिश करेगी, और फ्रिक्शन फोर्स होती कितने की है, म्यू एन। ये अगर हमारी फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स होती कितने की है, फ्रिक्शन फोर्स होती है म्यू एन की। और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने, तो वो म्यू एम जी था। और अगर वो इंक्लाइंड सरफेस है, तो नॉर्मल फोर्स कितने की होती है, एम जी कॉस थीटा की। तो फ्रिक्शन फोर्स कितने की हो जाएगी, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा हम लोग यहाँ निकाले बैठे हैं, बल्कि इसकी वैल्यू ये निकाल ही लेते हैं। कितनी है ये कॉस 37 की वैल्यू, 0.8। कॉस 37 इज 0.8, तो 100 इंटू 0.8 दैट इज 80। ये आई एम जी कॉस थीटा की वैल्यू, एम जी कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 37 इज 0.8, तो 0.8 इंटू 100 दैट इज 80। तो फ्रिक्शन फोर्स कितने की, फ्रिक्शन फोर्स म्यू दैट इज 0.2 इंटू एन दैट इज 80। तो फ्रिक्शन फोर्स 16 न्यूटन की है। इक्वेट कर दो, इक्वेशन से इक्वेट करो, ये वैल्यू दैट इज के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के हो गया ये। क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज 9। ये बैलेंस कर रहा है किसको किसको, ये बैलेंस कर रहा है एम जी साइन थीटा को और फ्रिक्शन फोर्स को। तो एम जी साइन थीटा कितना, 100 साइन 37, साइन 37 इज 0.6, तो 0.6 इंटू 100 दैट इज 60। प्लस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 16, तो ये मिला के 76 आ गया। कैंसिल करो, ये यहां से कैंसिल होता दिखता है हम लोगों को, तो Q स्क्वायर ये मिला हमें, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, या हम चार्ज को कह दें, या हम चार्ज को कह दें, यहाँ लिख लेते हैं, चार्ज को कह दें रूट में, रूट में, इसमें से रूट से बाहर निकाला जा सकता है उसको, 76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, यहाँ से हम उसमें से 10 की पावर माइनस 8 को माइनस 4 के गुणा करके बाहर निकाल सकते हैं, हम इसे मिली कूलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम लोग किसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर किसी कंसेप्ट को उठाएंगे, फिर उस कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस के जरिए, कंसेप्ट के जरिए। थैंक्स अ लॉट।